आपका मेरा सर एक बहुत बेसिक सा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत सारे जजमेंट हैं। अभी रिसेंट में एक जजमेंट आया था सर, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली गाइडलाइन दिया है कि एक बार अगर एफआईआर रजिस्टर होता है तो विद इन 24 आवर्स उसको ऑनलाइन अपलोड कर देना चाहिए। लेकिन सर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि कुछ स्टेट, जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गए और कह सकते हैं स्टेट ऑफ दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है, कि अगर हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं लेकिन वो फिर भी सर विद इन 24 आवर्स अपलोड नहीं होते और हमें उसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए सर एक एज एन एडवोकेट मतलब मैं आपका किस तरीके से असिस्टेंस या फिर सहयोग कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि सुप्रीम देखिए, कोर्ट का गाइडलाइन। आप हमसे जुड़िए और इस चीज को आम जनता तक पहुंचाइए, और उनकी जो अभी जो अपने आप को कुंद हो गए हैं, अपने आप में जो ना एक उनको आशा खो दी है, उन्हें लगता है कि अब इस देश में कुछ नहीं होना है। हमारी इंटेलिजेंसी अभी इस बात को बहुत जोर जोर से कहती है कि ये देश तो ऐसे ही चलेगा, हम वी आर डेस्टाइंड टू बी लाइक दिस, ऐसा जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को कहते हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि इस आवाज को बुलंद करिए और इसमें सभी लोगों को जोड़िए। यदि सभी लोग जुड़ेंगे तो जब टेक्निकल सिस्टम पैदा कर दिया गया है, कानून के लिए जो है ना एक कानून भी बना दिया गया है, जो बहुत जल्दी हम शासन को भेजने वाले हैं, उस कानून का हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये बिल्कुल बर्बेटम जो है एंट्री 65C से लिया गया है। 65C में बर्बेटम जो मैंने कहा यही लिखा हुआ है, तो इससे किसी को ये भ्रम ना हो कि ये जो है केंद्र शासन की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट बनता 65C है, तो इसमें केंद्र शासन की जिम्मेवारी बनती है। चूंकि हमने पूरा सिस्टम डिजाइन किया है तो मुझे लगा कि ये कानून कैसे मदद करेगा, ये संभवतः ये कानून में हमें ही लिखना पड़ेगा। तो हमने ये कानून ड्राफ्ट कर लिया है, अभी हम इसको और रिफाइन कर रहे हैं। हम इसके रिफाइनमेंट में आपकी मदद लेंगे, इसके रिफाइनमेंट में हम सभी लॉ यूनिवर्सिटीज की मदद लेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो है पार्लियामेंट से पारित करें। लेकिन मेरा कहना बिल्कुल यह है कि यदि किसी कारण से ये पारित नहीं होता है तो जनता को ये अपने हक के तहत मिलना चाहिए। आपकी सुरक्षा किसी दूसरे की मेहरबानी कैसे हो सकती है? आप राइट टू सर, लाइफ को अंडर आर्टिकल 21 आप कहते जी हैं कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन एग्जिस्टेंस लाइक एन एनिमल। तो आप ये कह रहे हैं पशु तुल्य जो है ना लाइफ नहीं होना चाहिए, ह्यूमन जैसी लाइफ होना चाहिए। आप यू आर बॉर्न एज ए ह्यूमन एंड यू आर हैविंग ह्यूमन राइट आल्सो, एंड आपको जो है ह्यूमन जैसी जिंदगी मिलना चाहिए। और आर्टिकल 21 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चार जो है अधिकारों में कन्वर्ट किया है, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड एंड राइट टू हेल्थ। अब ये समय आया है कि आप एज ए वकील मेरी बात को और बारीकी से समझ पाएंगे, और मैं आपसे वो कहूंगा कि आप इस बात को जो है इस पर अपनी अपना कमेंट देंगे। मेरा ये कहना है कि लाइफ का सीधा सीधा संबंध किससे है? आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना शासन की सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट करेक्ट की है कि नहीं है। और आप अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस लेना है, तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको देगा तब आप ले पाएंगे। तो आप अपनी सुरक्षा करने के लिए आप लायक भी नहीं है, तो इसलिए शासन की और ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। तो ये हाई टाइम आ गया है कि अब आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ मीन्स लाइफ विद ए फुली सिक्योर एंड सेफ, जहां यू कैन रिलैक्स। आपको चार बार फोन करके ये ना पूछना पड़े अपनी बिटिया से कि बेटे 11 बज गए, 10 बज गए हैं, इतनी देर क्यों हो रही है, जल्दी आ जाओ, ठीक है ना। इट इज नॉट सेफ टू बी देयर। ये सब चीजें आपकी डिक्शनरी से बाहर निकलना चाहिए। कब तक आप भय के आवरण में रहेंगे,
कब ऐसा होगा कि विकास दुबे जैसे लोग आएंगे और पूरी दुनिया को आतंकित करेंगे, तो उनकी बहुत इतनी जरूरत होगी कि वो आठ आठ पुलिस वालों को भी जो है ना शूट कर देंगे, वो भी तैयारी के साथ। और इन जी जी कारणों जो है हमारी खाकी वर्दी और नेताओं की तरफ लगे हुए हैं, तभी जो है जी ना 200 लोग जो है ना उसकी मदद कर रहे थे। तो मैं एक पॉइंट और आपसे आपके सामने रखना चाहूंगा और आपसे जवाब चाहूंगा दोनों प्रश्नों में, कि संविधान के तहत, संविधान में 311(2) है जिसमें कहा जाता है कि आपको जो है डी होगी, आपको राइट ऑफ डिफेंस दिया जाएगा। उसी 311(2) में बी और सी क्लॉज है। भी कहता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास यदि ऐसे रीजन है जिसमें कि इट इज नॉट रिजनेबल टू डू इंक्वायरी, देन द पर्सन कैन बी समरली डिसमिस्ड। और सी में जो है ना ये राइट गवर्नर को दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि हम अब ड्रामा नाटक बंद करें कि हमने लाइन में अटैच कर दिया, बाना अटैच कर दिया है। मध्य प्रदेश में जब हमने देखा कि हमारे कुछ पुलिस वाले रेप जैसी जघन्य वारदातें कर देते थे हमारे सिपाही वगैरह, तो हम लोगों ने एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन उस समय लिया था कि हम उनको 311(2)(b) में डिसमिस करेंगे। तो केस में तो उनको प्रोसिक्यूट करेंगे करेंगे और हम उनको नौकरी में से तत्काल डिसमिस करेंगे अंडर सेक्शन 311(2)(b). तो अब एक बड़ा समय आ गया है कि जब हम जो है ऐसे दुर्दांत लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कि ब्लैक शीप्स हैं, जो कि ऐसे तत्वों को कुछ आर्थिक लाभ या और अन्य लाभ के कारण जो है ना मदद पहुंचाते हैं, उनको सेवा में रहने का कोई हक नहीं है, उनको 311(b) के तहत समरली डिसमिस किया जाना चाहिए। और यदि वो राजपत्र अधिकारी हैं तो उनको 311(2)(c) में गवर्नर या प्रेसिडेंट जो भी है उसको डिसमिस करना चाहिए, जिससे कि ऐसे लोग जो है ऐसे बहुशाली लोगों को पैदा ना करें, ऐसे भस्मासुरों को पैदा ना करें, जिनके विरुद्ध लोग गवाही देने में डरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही बात जो है फिर नेताओं के ऊपर भी लागू होना चाहिए। जो नेता हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे उसके सबके साथ मिल जाएंगे। तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टी से उनको प्राइमरी मेंबरशिप से हटाया जाए, यदि वो किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं तो उनको ओहदे से हटाया जाए, और फिर उनको अपराध में अरेस्ट करके जैसे वालों के साथ कर रहे हैं वैसे ही उनको मूल ऑफेंस में अरेस्ट करके उनको जेल भेजा जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। और हमारा इंजन बाद में जो है अकाट साक्ष्य भी पेश करेगा तो उनको सर्टेनिटी के साथ जो है कन्विक्शन भी होगा और बहुत जल्दी कन्विक्शन होगा, तो वो आगे चल के चुनाव ना और उस तरीके के नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम इन चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से सील नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स का जो है क्रिमिनलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये बात जो है मेरे ख्याल से आप से समझ पाएंगे। आपने जो मूल बिंदु उठाया था मैंने भी तो उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा था कि अपलोडिंग वाली बात कही थी कि अपलोडिंग 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, आपने शुरू वाला हिस्सा नहीं सुना है। YouTube चैनल पर लाइव अवेलेबल होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको शुरू का हिस्सा सुनेंगे तो आपकी इंक्वायरी नहीं बनती, क्योंकि अब सिस्टम जो है ना अंदर FIR जनरेट कर रहा है तो अपलोडिंग का सवाल ही नहीं उठ रहा है। जैसे ही उसमें फरियादी ने सिग्नेचर किए वो थानेदार के सिग्नेचर के लिए जा रहा है, थानेदार जैसे ही सिग्नेचर करेगा इट विल बिकम FIR, FIR उसी सिस्टम से ब्रेक पे होके ऐप में एक इंसिडेंस बन जाएगी और पर्सन जो कंप्लेनेंट है ही कैन डाउनलोड हिज FIR और ही नीड नॉट टू डाउनलोड दैट FIR बिकॉज़ FIR विल बी अदर टाइम सिटिंग ओवर देयर। जब भी वो देखना चाहे वो FIR को भी देख सकता है, उसके केस में क्या हो रहा है वो ये भी देख सकता है, वो अपने केस के में सलाह देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, और उसके केस में कैसी कार्रवाई हो रही है तो पुलिस की ग्रेडिंग भी वो कर सकता है। इतने सब जो है ना सुविधाएं पब्लिक के वॉलंटियर ऐप में अवेलेबल होंगी, जिसमें कि यदि वो 100 FIR करेगा तो उसे कोई आईडी वाईडी से सर्च नहीं करना पड़ेगा, उसके उसमें 100 आइकॉन दिखाई देंगे, जब उस पर क्लिक करेगा तो ही विल नॉट ओनली गेट हिज FIR बट ही विल बी इन पोजिशन टू सी द स्टेटस ऑफ द केस और ही विल बी इन पोजिशन टू इवेल्युएट, ही विल बी इन पोजिशन टू गिव इज फीडबैक, ही विल बी इन पोजिशन टू गिव इज सजेशंस एंड ही वुड बी इन पोजिशन टू ग्रेड सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द पुलिस। और उसको हम वहां से
थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करके वी विल टेक इट फॉर द परफॉर्मेंस एग्जाम्स. तो दैट द पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ इट कि उनकी यदि इंफीरियर ग्रेडिंग होगी तो समवेयर इट विल अफेक्ट देयर करियर आल्सो. तो आने वाली पुलिस और ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा बेहतर होगी. सर तो आपके सर आपके जी सर बताएं सर. नहीं नहीं आप आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया और हमने फिर आपको दो प्रश्न आपको हमने काउंटर लाने हैं आपके लिए आपको आपसे हमने उल्टे पूछे हैं. तो यदि पहले तो आप ये बताइए कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि नहीं और फिर जो दो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं सलाह के साथ मैं चाहूंगा कि उसके बाद आपने प्रतिक्रिया दें क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं. आपका इतना बड़ा अनुभव है आपके विचार हमें बहुत उपयोगी होंगे और आपके विचार के आधार पर हम अपने सिस्टम में यदि हमें थोड़ी सी भी कहीं पे कोई चीज समझ में आएगी तो हमारी कैपेबिलिटी बहुत हाई है. यदि हम आज जो से 3 दिन बाद हम उसको क्रियान्वित करने की स्थिति में है उतनी ताकत अभी जो है ना इस समय हम है तो आपकी कोई भी अच्छी सलाह और एक अच्छी